जो भी आएगा उसका एक कंप्लेंट दर्ज होगा और उसका क्या हुआ, उसकी कंप्लेंट का क्या हुआ, उसका फॉलोअप भी होगा। अपने सिस्टम रखेंगे और रखा है कि फ़ोन पे कॉल करके कंप्लेनेंट को या जो आए हैं अपना ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए उनको बताया जाए। जो हम कर पाएंगे वो करेंगे, जो हम नहीं कर पाएंगे उनको भी बताएंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग आएंगे और क्या क्या मसाइल लेके आएंगे। मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है ये, उनके साथ एक कनेक्शन की एक एफर्ट है और इसकी सब्सटेंटिव रिजल्ट्स भी मुझे लगता है। इसमें मुझे भी पता रहेगा कि किस किस्म की चीज़ें जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में अफेक्ट करता है, जिसमें ग्रीवांसेस होते हैं, ग्रीवांसेस और कंप्लेंट्स, उसके बारे में जानकारी मुझे रहेगी। कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टेंट सॉल्यूशन के लायक होते हैं, कुछ चीज़ें जो है उसको फिर एग्जामिन करना होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको और रिफाइन करेंगे और इसकी फॉलोअप, कोई भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनता है तो उसकी कामयाबी रहता है कि उसकी फॉलोअप में। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है और उसको मजबूत करेंगे कि जो तो सारे मसले का हल शायद हमारे पास ना हो, पर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतलक जो डायरेक्ट इश्यूज हैं उसका तो हल हमारे हर हालत पर हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जी एकदम, मैंने इतनी रिलेवेंट है, हम आपस में बैठ के अभी नई तरीके से इसको सोच रहे हैं। उसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में खाली पुलिस नहीं, बाकी जो हमारे रोल पार्टनर्स हैं, हम समझते हैं कि रिक्रूटमेंट बिल्कुल पहले से हो ही ना तो बंदा मजबूर ना हो और उसको जिस तरीके से बरगला जाता है, इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर कहीं पे भी कोई नौजवान भर्ती हो बने टेररिस्ट रैंक्स में जाता है, हम पूछना चाहेंगे, उनके माँ बाप से मिलना चाहेंगे, जो स्कूल में पढ़ता था उसकी हेडमास्टर और उसकी प्रिंसिपल से पूछना चाहेंगे, हम उसकी टीचर से पूछना चाहेंगे, जिस मस्जिद में जाता था उसकी इमाम साहब से पूछना चाहेंगे, मस्जिद कमेटी से पूछ, ये सब लोगों का मिलजुल के काम है। मेरे ख्याल में ये खाली पुलिस की काम नहीं है। तो जब इसमें एक कम्युनिटी एफर्ट रहेगी तो हम जाने बचाएंगे। और साथ में हम ये भी मैंने कहीं और पे भी कहा है, गधा घोड़ा खच्चर सबको एक नज़र में नहीं देखना चाहते हैं, हम अलग अलग नज़र से लोगों, मैंने अपने ही लोग हैं ये, तो उनको हम कोशिश ये करेंगे, हम ये एक एफर्ट ये रखना चाहेंगे आज के दिन में जो पार बैठे जो हैंडलर्स हैं उनको किस तरीके से कट ऑफ करेंगे। वो जो पैसा दे के और बाकी चीज़ करके जो उनको भड़का के शामिल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके खिलाफ एक बहुत बहुत प्लान्ड तरीके से और बहुत सस्टेंड तरीके से एक जंग लड़ने की ज़रूरत है और हम इसको लड़ेंगे। हम कमिटेड हैं इस बात पे कि साहब गरीब घर का बच्चा क्यों उसमें जाए और क्यों बलि चढ़े। साहिबान और बालदा जो हैं वो बच्चे को देखे, स्कूल के टीचर्स फ्रेंड्स जो उसको अच्छे चाहते हैं उसकी टेलीफोन देखे, पता नहीं किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसकी चुंगल में फंसा है। लोग भर्ती ही नहीं होएंगे तो फिर इसकी कहां से गुंजाइश बनेगी। पुलिस जो भी रोल अदा करेगी उसमें एक काउंसलर की, एक लॉ इन्फोर्सर की और एक विजिलेंस रखने मेंटेन करने की, रिक्रूटमेंट के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। हर रिक्रूटमेंट को हम मानेंगे कि एक टेरर एक्ट हो गया, वो बंदा विक्टिम है उस वक्त और आगे चल के फिर वो खुद ही एक ऑफेंडर बन जाता है, पर उसको डालने के पीछे जो लोग होंगे, जिस किसने भी उसको हथियार दिया, जिस किसने भी उसको बरगलाया, जिस किसने भी उसको छिपाया, जिस किसने भी उसको पैसे देने की कोशिश करी, तो इन सब लोगों के खिलाफ जो है हमारी रहेगी कि तो ईच एक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ टेरर, बट इन विच द पीपल हु डिसाइड टू और हेल्प्ड और फैसिलिटेट दिस बॉय दिस यंगस्टर टू जॉइन द टेररिस्ट रैंक्स आर इक्वली लायबल इफ नॉट मोर। सो देर वुड बी अ सस्टेंड एक्शन अगेंस्ट पीपल हु मोटिवेट एंड रिक्रूट।
इवन पीपल हु राइट वेरी डिफरेंटली दे आर ऑल्सो लाइबल फॉर एनकरेजिंग रिक्रूटमेंट. सो दोज पर्सन्स ऑल्सो आई मीन लिखने वाले भी जो हैं तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे. छिपते हैं इसके पीछे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप लोगों को भड़काते हैं और लोगों को आगे ले जाते हैं, ये हम होने नहीं देंगे.